हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आप लोगों के पास होगा दोस्तों उसको इको टब क्लीन कैसे करेंगे। यानी वॉशिंग मशीन में दोस्तों एक ही रहता है पोर्शन, उसी में कपड़ा वॉश होता है और सूख के तैयार हो जाता है। तो वो दोस्तों ज़्यादा दिन तक यूज़ करने के बाद उसमें जो है मैल वगैरह डस्ट वगैरह जमा हो जाता है। तो उसको क्लीनिंग करने के लिए एक टैबलेट मिलता है दोस्तों, जिसको हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके लिया है। तो उसको दोस्तों अभी हम अनबॉक्स करेंगे, वो आपको दिखाएंगे और इसके बाद दोस्तों फिर जो है मशीन को वॉश करके दिखाएंगे टैबलेट से। तो दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों हमने ये ले लिया है, अब इसको दोस्तों अनबॉक्स करेंगे। तो दोस्तों चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। जीकेएन वॉशिंग मशीन क्लीनर है ये दोस्तों। देखिए इसमें और क्या क्या काम होगा, सब ऑप्शन दिया हुआ है। क्लीन होगा, डिओड्राइज होगा, रिफ्रेश होगा, प्रोटेक्ट होगा, तो ये सब होगा दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों ये जो है 24 टैबलेट रहता है इसके अंदर, और हमको करना है एक साल यूज, यानी हर महीना हमको दो टैबलेट यूज करना है। तो इसका टैबलेट दोस्तों हम निकाल के दिखा देते हैं, किस तरह का टैबलेट आता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इस तरह का आता है, सफ़ेद रहता है और ये स्काई ब्लू दो कलर का रहता है ये टैबलेट। ये टैबलेट दोस्तों आपको दो ही यूज़ करना है महीना में एक बार। तो इसको कैसे यूज किया जाएगा, आपका मशीन एकदम चकाचक रहेगा, बैक्टीरिया से दूर रहेगा दोस्तों, दुर्गंध से भी दूर रहेगा, और आपका मशीन जो दोस्तों बहुत दिनों तक चलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट अपना फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन को कैसे सफाई करेंगे वो तरीका आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों वॉशिंग मशीन क्लीनर ले लिए हैं, इसमें 24 टैबलेट है, जिसमें से अभी हम दो टैबलेट लेते हैं। ये देखिए इससे ही हम अपना जो है टब क्लीनिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों हम पहले यहाँ ऑन कर लेते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। चलिए दोस्तों इसको खोल लेते हैं, जहाँ आप लिक्विड डालते हैं दोस्तों वहीं इसको रख देना है, एक दोनों टैबलेट को। तो पहले एक को रख दिए और एक टैबलेट यहाँ है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। ऑन हो गया है दोस्तों। अब यहाँ से पावर में जो है हम जाते हैं। पावर में जाने के बाद दोस्तों हमको सेटिंग करना है यहाँ टब, इको टब क्लीनिंग। तो हमको दोस्तों इसी में आना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। यहाँ आ गया दोस्तों, अब जो है जाएंगे स्टार्ट में। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों पानी गिरने लगा है, 93 दोस्तों है। देखिए दोस्तों 93 मिनट लगा दिए हैं, यानी डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा के बाद वापस आपको हम फिर दिखाएंगे दोस्तों मेरा मशीन कितना चकचक हो गया है, एकदम फ्रेश हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों अभी जो है 12 मिनट और बाकी है, और अभी दोस्तों इको टब क्लीन हो रहा है, और इसके बाद रेंज हो रहा है। अभी रेंज के बाद दोस्तों स्पिन होगा, तब दोस्तों आपको फिर हम दिखा रहे हैं। ये दोस्तों बने रहे मेरे साथ, अगर मेरे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तक थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अब मात्र 8 मिनट बचा है दोस्तों। ये देखिए अब स्पिन का काम चालू हो जाएगा दोस्तों, 7 मिनट 5 मिनट। ये देखिए स्पिन स्टार्ट हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों 4 3 2 1। अब दोस्तों 1 मिनट बच चुका है, बस 1 मिनट के अंदर अंदर इसको आपको वापस खोल के दिखाएंगे कितना क्लीन हुआ है। देखिए दोस्तों अब जो है मशीन, देखिए इसका पावर ऑफ हो चुका है, अब इसको खोल के दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, देखिए कितना क्लीन हो गया है दोस्तों, एकदम शाइनिंग आ गया है, और इसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया वो सब भी खत्म हो गया है, क्योंकि इसके अंदर वाल में दोस्तों लेयर पड़ जाता है कपड़ा वॉश करते करते, वो आप इसको जो है साफ सफाई करने में थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए टैबलेट का सहारा लिए। फुल्ली ऑटोमेटिक में टैबलेट का सहारा लेने से बहुत ही अच्छा है दोस्तों। देखिए वो टैबलेट अब नहीं, यही टैबलेट रखे थे। तो दोस्तों ये तरीका और ये आइडिया आपको हमने दिया, तो आपको कैसा लगा दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।